हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 12 ले ले 12 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग आपको सब पता ही है, इसका मतलब क्या होता है। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता क्या है, एन एक्शन और ऑपरेशन विच रिजल्ट इन सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारी दो कंडीशन रैंडम के लिए नेसेसरी है। फर्स्ट वन इज इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एक आउटकम से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल द आउटकम इन एडवांस। एडवांस में मतलब हमें नहीं पता होता कि अब ये होगा या ये होगा या ये सिचुएशन आएगी। सपोज करो कि हम कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है, जिसमें हमारे जितने भी आउटकम्स होते हैं उनको अगर हम एक जगह लिखे, टोटल आउटकम्स का जो सेट होता है दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, जिसमें हमें सिर्फ यही बताना है सैंपल स्पेस का। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12.1। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट वन हमारा है टू कॉइंस आर टोस्ट। अगर दो कॉइन टोस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। तो दिस इज अवर सैंपल स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट वन इज वन कॉइन इज टोस ट्वाइस। एक कॉइन को दो बार टोस करे या दो कॉइन को एक साथ टोस करे तो हमारा सेम सैंपल स्पेस होता है, तो उसका आंसर भी हमारा यही आएगा। उसके बाद अ कॉइन इज टोस्ट एंड इफ हेड कम्स अप अ डाई इज थ्रो। तो एक कॉइन को टोस कर रहे हैं तो या तो हमारा टेल आएगा या हेड आएगा, और हेड आ रहा है तो वो वापस से क्या कर रहा है, डाई थ्रो कर रहा है। तो हेड के साथ या तो वन आएगा या टू आएगा, थ्री आएगा या फोर और फाइव और सिक्स। तो ये दिस इज अवर सैंपल स्पेस। तो यू कैन कम्प्लीट द फर्स्ट एक्सरसाइज, हमें सिर्फ क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। नाउ आई एम कमिंग ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट हमारा क्या होता है, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का हमारा एक सबसेट होता है। यहाँ पे सपोज करो मैं बोलू लेट ई बी द इवेंट ऑफ टू हेड, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एच एच हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एक मतलब सबसेट होता है हमारा सैंपल स्पेस का, दैट इज कॉल्ड द इवेंट। उसके बाद टाइप्स ऑफ इवेंट हमारी होती है। सबसे पहले हमारा होता है सिंगल इवेंट। तो सिंगल इवेंट वो होता है जिसमें हमारा एक ही आउटकम होता है, जैसे ये वाला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट, जिसमें एक से ज्यादा आउटकम हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज श्योर इवेंट, जिसके 100% चांस होते हैं, दैट इज श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, जिसके चांस ही नहीं होते। इक्वली लाइकली, जिसमें हमारा 50-50% चांस होता है, जैसे कि अगर हम हेड को टोस करें तो सॉरी कॉइन को टोस करें तो या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा। उसके बाद हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज करो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, ई के ऊपर हम सी लिखते हैं तो इट्स कॉल्ड ई कॉम्प्लीमेंट, या हम इसको डिनोट करते हैं ई डैश से या फिर ई के ऊपर बार लगा के, इनका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। और ये आपने हमारे जो हमारा स्टार्टिंग टॉपिक था सेट, सेट में आप पढ़ चुके हो कि कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें ई को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सैंपल स्पेस में से ई को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचा, सपोज करो ये एस है ये ई है, तो हमारा बचा एच टी, टी एच एंड टी टी। तो ये हमारा क्या हो गया, ई कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद द इवेंट ए और बी। तो ए और बी, जहां भी हमारा और वर्ड आता है वहां हमें यूनियन निकालना होता है। नेक्स्ट वन इज द इवेंट ए एंड बी, जहां हमारा एंड वाला वर्ड होता है वहां हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट वन इज द इवेंट ए बट नॉट बी। ए होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, इट मीन्स ए माइनस बी, और वी कैन राइट इट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या होगा, ए बट नॉट बी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इवेंट्स हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारा यूनियन क्या होता है, हमारा सैंपल स्पेस। सपोज करो मैं ई और ई कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लू तो हमारा कंप्लीट क्या बना, सैंपल स्पेस। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें हमारा इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आता। तो ई और ई कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो ये दे आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, इसमें हमारा यही वाला था। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चल, यहाँ पे एक्सरसाइज पे चलते हैं।
तो 12.2 हमारी है, फर्स्ट टू क्वेश्चन यू कैन डू योर सेल्फ, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट. तो इसमें वी कैन राइट द लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 7 व्हेन वी थ्रो अ डाई. तो वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया क्योंकि डाई में हमारे 6 से ज्यादा नंबर होते ही नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, क्वेश्चन नंबर 4 है. इफ ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो डाई हम थ्रो कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया. यहाँ पे हमारा सॉरी ईवी ए हमारा इवेंट गिवन है गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे कौन से है 2, 3, 5, तो ये हमारा क्या आ गया ए आ गया. उसके बाद नेक्स्ट इज बी इज द इवेंट गेटिंग एन ओड नंबर, तो बी में हमारा क्या आएगा 1, 3, 5, ओड नंबर हमारा आ गया. उसके बाद हमें फाइंड करना है ए और बी, ए और बी इट मींस वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी. तो यूनियन निकालेंगे तो हमारा कंप्लीट क्या आ जाएगा सैंपल स्पेस. उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है ए एंड बी, ए एंड बी, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए इंटरसेक्शन बी. इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारा क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर इज 3. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड A but not B, A but not B. It means we have to find A minus B. तो A में से हम B के एलिमेंट माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा 2 and 5. उसके बाद नेक्स्ट वन इज नोट A. तो नोट A जब हमें निकालना है तो A के एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट लिखेंगे तो इट्स 1, 4 and 6. तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डाइज आर थ्रोन इफ ई बी द इवेंट बोथ डाई कम्स अप विद सेम नंबर. तो यहां हमारा क्या हो गया ई में हमारा क्या आ जाएगा 1, 1, 2, 2 और कहां तक आएगा 6, 6 तक. उसके बाद एफ इज द इवेंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज ओड, कि दोनों का प्रोडक्ट हमारा ओड आना चाहिए. तो यहां पे हमारा दूसरा क्या हो जाएगा एफ में अगर हम लेंगे तो प्रोडक्ट ओड आना चाहिए. तो हमारा 1, 1 पे 1 ये वाला हो गया, फिर हमारा 1, 2, 2 आएगा, 1, 3, 1, 5, उसके बाद हमारा क्या आएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2 की लाइन में कोई भी नहीं आएगा, फिर हमारा क्या आएगा 3, 1, 3, 3, 3, 5, उसके बाद हमारा आएगा 5, 1, 5, 3 and 5, 5, 5, 5, 5 जो 25. तो ये हमारा क्या हो गया एफ इवेंट हो गया. अब हमें निकालना है कि वी हैव टू फाइंड ई, तो ई हमने निकाल दिया एफ निकाल दिया, देन वी हैव टू फाइंड देयर यूनियन इंटरसेक्शन. तो बाकी का पार्ट्स यू कैन डू योर सेल्फ. इसमें बस एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर हमारा ई इंटरसेक्शन निकालना है कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ हमारा कितना आ रहा है 1, 1, तो यहाँ पे दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा. तो इफ यू हैव टू चेक की वेदर दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट, तो वी हैव टू चेक देयर इंटरसेक्शन इज 5. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में अगर हम आ रहे हैं नेक्स्ट 12.3 एक्सरसाइज पे, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि हमारा आंसर क्या होता है. सपोज पी ऑफ ई है तो इट्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है. उसके बाद सपोज करो मैं एक डाई थ्रो कर रही हूँ या फिर एक कॉइन ले लेती हूँ, कॉइन में हमारे क्या होगा आउटकम एच और टी दो होंगे. अगर हेड की मैं प्रोबेबिलिटी निकालू पी ऑफ एच तो 1/2 और पी ऑफ टी निकालू दैट इज ऑल्सो 1/2, और हर एक इवेंट की हर एक आउटकम की अगर हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है. अब इसी के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आएंगे. इससे पहले मैं आपको लास्ट क्लास का एक फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ कि पी ऑफ
ए यूनियन बी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद सपोज ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमारा क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा फाइ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू जीरो। फिर अगर हम इस वैल्यू इस फॉर्मूले को इसमें पुट करते हैं तो यहां से हमारा होगा पी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी। ये सिर्फ कौन सी कंडीशन में होगा व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अदरवाइज हम ऊपर वाला फॉर्मूला लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो वह फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो हमारा प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2, 3, 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6। उसके बाद अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3, 4, 5, 6 फोर नंबर हो गए तो 4/6। तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये सारे आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रही हूं। क्वेश्चन इज अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 जेंट्स। हमारे पास जेंट्स हमारे कितने हैं 6 एंड 8 हमारे पास कितनी है लेडीज है। इफ द सिलेक्शन इज मेड रैंडमली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स। हमें 3 लेडीज चाहिए और 2 जेंट्स, तो यहां पे हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो हमें 3 लेडीज चाहिए 2 जेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जेंट्स कितने थे 6 में से हमारा कितना आएगा वी हैव टू चूज 2 जेंट्स एंड 3 लेडीज, तो 8 में से हमारा कितना आएगा 3, और टोटल हमारा तो कितना था 8 और 6, 14 सी, और हमने टोटल कितना चूज किया इसमें से 5। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का हमारा फॉर्मूला क्या था एनसीआर दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ हमारा आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। फिर 8C3 को खोलेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ हमारा होगा 8 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 14 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड 14 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा हो गया 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। यहाँ नीचे हम 2 फैक्टोरियल को खोल रहे हैं 2 × 1। अब यहां से 6 माइनस 4 तो हमारा 2 ही आएगा, तो इसको और ज्यादा ओपन करेंगे तो इट्स 4, 3, 2, 1 पूरा ही ओपन कर दिया। 4 माइनस 6 2 फैक्टोरियल और 2 को हम ओपन करेंगे 2 × 1। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा हो गया 8, 7, 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 × 2 × 1 और 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, तो इसको हमने ये लिखा अपॉन में इसको ओपन करेंगे 14 फैक्टोरियल, तो 14 को हम कहां तक ओपन करेंगे 9 तक, तो 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल और अपॉन में हमारा 5 फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1 और उसके बाद हमारा क्या आ रहा है 9 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल होके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो यू कैन सिंप्लीफाई दिस। तो यहाँ पे मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी करा लिया। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम आ रहे हैं कि सपोज करो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स ए छोटा है बी बड़ा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे दैट इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ बी। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। उसके बाद सपोज वी हैव टू फाइंड पी ऑफ बी माइनस ए इन दिस केस, तो ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए। कब होगा जब हमारा ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मैं आपको टॉपिक करा चुकी हूं। उसके बाद यहां कुछ फॉर्मूले और गिवन है, तो आप इन क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, तो मैं फॉर्मूला आपको नहीं करा रही हूं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक इसमें मेरा फॉर्मूला और आएगा, इफ सपोज करो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमारा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ ई नी सॉरी ए डॉट पी ऑफ बी के इक्वल होता है। तो यहां से हमारा क्या है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उनका इंटरसेक्शन उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट एक्सरसाइज मेनली हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो 12.4 में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन ले रही हूं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, पी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0.5, पी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 0.7 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 0.6। तो हमें बताना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो यहां पे हमारा आएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटरसेक्शन इन दोनों की प्रोबेबिलिटी से कम होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से हमारा बड़ा आ रहा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दे रखा है पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4 एंड पी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू 0.8। तो दिस वन इज पॉसिबल, क्योंकि यूनियन हमारा बड़ा हो सकता है बट इंटरसेक्शन हमारा बड़ा नहीं होता। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0.35, P of B is equal to 0.45 and we have to find P of not A. तो P of not A निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसको 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं, तो इट्स 1 माइनस P of A, तो ये दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.35, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.65। उसके बाद हम सेकेंड पे चलते हैं। गिवन हमारा है A and B are mutually exclusive. अब सेकेंड पार्ट इज पी ऑफ बी नॉट, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.45, तो इट्स इक्वल टू 0.55। पी ऑफ नॉट बी के लिए 1 में से पी ऑफ बी माइनस करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और हमारा ए और बी दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे P ऑफ A हमारा आया 0.35, B हमारा है 0.45 माइनस में 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.80। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आएगा, P ऑफ A डॉट P ऑफ B के, तो दिस इज इक्वल टू 0.35 इंटू 0.45, तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड वी कैन गेट अवर आंसर। फोर्थ पार्ट में तो हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब हमारा क्या होता है, पी ऑफ ए माइनस बी, और ये हमारा किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ ए के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0.35। उसके बाद नेक्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो यहां पे बिफोर दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट टू राइट अ फॉर्मूला, पी ऑफ ए नॉट ए यूनियन नॉट बी दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ यू हैव टू फाइंड पी ऑफ नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, तो हमें क्या करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब यूनियन में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन में यूनियन, और उसमें से 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नॉट का साइन हमारा
हट जाता है। तो यहां से जब हमें ये निकालना है तो हमें क्या करना है, वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, और यहां से वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी तो वन माइनस 0.80 दैट इज इक्वल टू 0.2 और वी कैन राइट 20। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो यू कैन डू योरसेल्फ क्योंकि ये अपने टेंथ के ऊपर बेस्ड है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो हमारा डिफरेंट है, ये आपके लिए नया टॉपिक है। तो फर्स्ट फोर एक्सरसाइज तो यू कैन डू योरसेल्फ। नाउ वी आर कमिंग ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लिखते कैसे है कि पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी। तो ये हमारा क्या होगा, किसका साइन होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का साइन होता है। और यहां पे हमारा होता क्या है, बेसिकली इसको हम बोलते क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर, कि कोई ना कोई इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि एक और उसमें कंडीशन गिवन होती है कि दूसरा इवेंट भी उसमें आ रहा होता है। तो यहां पे ये हमारी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे हम सिर्फ नीचे वाला ही लेते हैं। यहाँ पी बी नीचे है तो यहाँ भी क्या आएगा, पी ऑफ बी। सपोज वी हैव टू फाइंड पी ऑफ बी अंडर कंडीशन ए, तो ये हमारा क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आएगा, पी ऑफ ए आता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद इसमें एक कंडीशन होती है कि हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पी ऑफ ए अंडर कंडीशन एस, कि सपोज करो कि हमारा पूरा ही सैंपल स्पेस के जो कंडीशन है वो दे रखा है, एस फोर सैंपल स्पेस, जो हमारा पूरा सैंपल स्पेस होता है। तो ऊपर तो हमारा क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस अपॉन में पी ऑफ एस, और ए और एस का सॉरी नीचे हमारा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए और एस में छोटा ए है तो इनके दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, पी ऑफ ए, और कंप्लीट सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, वन। तो इसका आंसर क्या आएगा, पी ऑफ ए। सपोज वी हैव टू फाइंड पी ऑफ ए अंडर कंडीशन ए, तो ये हमारा होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन ए हमारा ए ही रहेगा, तो पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए, तो आंसर हमारा क्या आएगा, वन आएगा। अब सपोज करो वी हैव टू फाइंड पी ऑफ एस अपॉन ए, तो ये हमारा क्या होगा, पी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ए, और एस और ए का इंटरसेक्शन हमारा पी ऑफ ए ही होगा, और अपॉन में पी ऑफ ए, तो कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये तो हमारे हो गए फॉर्मूले हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। उससे पहले एक फॉर्मूला मैं आपको और करा देती हूं। यहां पे हमारी एक प्रॉपर्टी गिवन है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट having sample space S and F is an event such that P of E is not equal to zero, then P of A union B under condition F, तो ये हमारा क्या होगा, P of A under condition F plus P of B under condition F minus P of A intersection B under condition F। तो फॉर्मूला तो वो हमारा वही है, P of A, P of B, P of minus their intersection, under condition है तो हम यहां सबके नीचे क्या करेंगे, अंडर कंडीशन करेंगे। उसके बाद सपोज वी हैव टू फाइंड पी ऑफ नोट ए अंडर कंडीशन बी, तो ये हमारा क्या होगा, वन में से माइनस कर दोगे, वन माइनस पी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारा गिवन है पी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/5, P of B is equal to 2/5 and P of A union B that is equal to 3/5 and we have to find P of A under condition B।
तो इसके लिए हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, उनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने इस फॉर्मूले से इंटरसेक्शन निकालेंगे और क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है, अब यहां पे एक चीज और भी है हमारी कि जब हम इनका यूनियन निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, क्योंकि यहां पे हमारा यूनियन दोनों के प्लस के इक्वल है, इसका मतलब वहां से इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो यहां से मैं फॉर्मूला लगा रही हूं, तो पी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से यूनियन हमें निकालना है, तो यूनियन हमारा 3/5 इज इक्वल टू पी ऑफ ए 1/5 पी ऑफ बी 2/5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब 2/5 1/5 कितना हो गया, 3/5 3/5 कैंसिल हो गया, तो यहां से इंटरसेक्शन हमारा क्या आया, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जब हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, तो दिस इज इक्वल टू 0/2/5, तो क्या आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन करा देती हूं। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द सम ऑफ नंबर एंड द सम ऑफ नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। हमारा नंबर का सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 6 हमारा कब आएगा, एक तो हमारा हो गया 5/1 और 1/5, 2/4 और 4/2 और दूसरा हमारा क्या आएगा, 3/3। तो सपोज करो ये हमारा इवेंट है ए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, तो यहां से पी ऑफ ए हमारा कितना आ जाएगा, 3/5, तो पी ऑफ ए हमारा कितना हो गया, 5/36। उसके बाद हमारा सेकंड जो है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, कि 4 हमारा कम से कम एक बार आना चाहिए, तो बी में हमारा कौन सा होगा, दैट इज 4/1 4/2 कहां तक, 4/6 तक, ये हमारे 6 नंबर्स हो गए। उसके बाद हमारा क्या आएगा, 1/4 और 2/4 3/4 4/4 नहीं आएगा, वो ऑलरेडी यहां आ चुका है, 5/4 6/4, तो ये हमारे कितने हो गए, 5, तो टोटल 11 हो गए, तो पी ऑफ बी हमारा कितना हो गया, 11/36। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारी यही 4 वाली दो टर्म कॉमन आ रही है, तो यहां से हमारा आया 2/4 एंड 4/2, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 2/36, तो ये हमारा हो गया। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड पी ऑफ बी अंडर कंडीशन ए, तो यहां ऊपर हमारा क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए, तो इंटरसेक्शन में हमारा था 2/36 और पी ऑफ ए हमारा था 5/36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आया, 2/5। तो यहां पे हमारा ये क्या था, दिस इज द क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि रिमेनिंग क्वेश्चंस आर सेम, आपको इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के लिए हम अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमने क्या निकाला था, पी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। यहां से इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करती हूं, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, पी ऑफ बी डॉट पी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी, तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह अगर सपोज करो पी ऑफ बी अंडर कंडीशन ए था, तो इसका हमारा फॉर्मूला था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ ए, तो यहां से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी अंडर कंडीशन ए। अब ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, मतलब ये आपस में हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है
इंडिपेंडेंट इवेंट ये मैं आपको करा चुकी हूँ. इंडिपेंडेंट इवेंट हमारा जब होता है तो देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों हमारा अलग अलग होता है. जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होता है, जीरो होता है. लेकिन जब हमारा इंडिपेंडेंट गिवन होता है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा किसके इक्वल आएगा, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के इक्वल आता है. अगर दोनों का इंटरसेक्शन उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल आए तो इट मीन्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे. एक्सरसाइज 12.6. लेट ए एंड बी आर द आर सच दैट पी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 7/12 एंड पी ऑफ नोट ए और नोट बी दैट इज इक्वल टू 1/4. देन वी हैव टू फाइंड आउट कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नोट. तो इंडिपेंडेंट और नोट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो हमारा क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन के इक्वल होना चाहिए. तो यहां से और यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, पी ऑफ ए नोट ए यूनियन नोट बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - P(a) इंटरसेक्शन बी के. तो ये हमारा कितना गिवन है, 1/4 इज इक्वल टू 1 - P(a) इंटरसेक्शन बी. तो यहां हमारा आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4. अब हमें क्या निकालना है, पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी वी हैव टू फाइंड. तो पी ऑफ ए इज 1/2 एंड पी ऑफ बी इज 7/12, तो इट्स 7/24. बोथ आर नॉट इक्वल सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी के ऊपर डिपेंड करती है. अब मैं इसका एक वर्ड प्रॉब्लम लेती हूं. A die is thrown. If E be the event, the number appearing is a multiple of 3. एक die को throw कर रहा है तो sample space में हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5 and 6. उसके बाद हमारा दे रखा है E be the event, multiple of 3, तो 3 and 6. F be the event, the number appearing is even. Even में हमारा आ गया 2, 4, 6. Then find whether E and F are independent or not. हमें find करना है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे P of E. तो P of E हमारा हो गया 2/6. P of F निकालेंगे तो P of F हमारा हो गया 3/6. और intersection निकालते हैं P of E intersection F. तो यहाँ पे intersection में हमारा क्या है, एक ही element common है. तो इसका क्या आएगा, 1/6. अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पी ऑफ ई डॉट पी ऑफ एफ, तो ये हमारा हो गया 2/6 × 3/6. 2 × 1 = 2, 3 × 3 = 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1/6. तो दोनों का आंसर सेम आ गया, इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट. तो ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. तो लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि सपोज करो कि हमारे ए या सपोज करो E1, E2, अप टू सो ऑन EN, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इंटरसेक्शन कुछ नहीं होना चाहिए. एंड एक्जीक्यूटिव इवेंट्स, मतलब उनका यूनियन हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट सैंपल स्पेस. तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पी ऑफ E1 पी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E2 प्लस अप टू सोन. ये हमने अभी किया था आपका टोटल पिछले वाले एक्सरसाइज में, ये फॉर्मूला किया था. और यहां कहां तक जाएगा, एन टर्म तक, जितनी भी उसमें टर्म होती है. तो यहां हमारा आएगा पी ऑफ EN इंटू पी ऑफ ए अपॉन EN. तो ये हमारा क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. अब इसके ऊपर हम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. और ये हमारा लगता कब है, जब हमारा मोर देन वन हमारा उसमें इवेंट होता है, जब हमें एक से ज्यादा में से चूज करना होता है.
जैसे सपोज करो हमारा एक क्वेश्चन गिवन है, बैग वन कंटेन्स थ्री ब्लैक बॉल, फर्स्ट बैग में हमारा क्या है, थ्री ब्लैक बॉल है एंड टू व्हाइट बॉल है, और बैग टू में हमारा क्या है, टू ब्लैक बॉल है और फोर व्हाइट बॉल है. वन बैग इज चोजन एट रैंडम, एक बैग को उसने रैंडमली चूज किया है, तो हर एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, बैग को मैं क्या ले रही हूं, ए और बी से नहीं ले रही हूं क्योंकि यहां पे बी इसके लिए भी आ जाएगा, तो इसको मैं क्या ले रही हूं, ई से डिनोट कर रही हूं. ये हमारा ई वन हो गया, ये हमारा ई टू हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग और प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बैग दोनों को हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ. उसके बाद नेक्स्ट हमारा बोला है, वन बैग इज चोजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल. तो हमें ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दोनों में से हम ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल को मैं बी से ले रही हूं, कौन से बैग में से, ईवन में से, ब्लैक बॉल फ्रॉम ईवन, ये अंडर कंडीशन वाला साइन नहीं है, इसको हम करेंगे ब्लैक बॉल आउट ऑफ फर्स्ट बैग. तो यहां से ब्लैक बॉल हमारी कितनी थी, थ्री, और टोटल बॉल हमारी फाइव थी, तो ये हमारा कितना आ गया, थ्री अपॉन फाइव. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग, तो ये हमारा यहाँ पे ब्लैक बॉल थी टू, और टोटल हमारी कितनी है, फोर और टू सिक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया. अब यहाँ हमें पी ऑफ ए निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल दोनों के लिए, तो यहाँ पी ऑफ ए हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ईवन डॉट पी ऑफ बी अपॉन ईवन प्लस में पी ऑफ ई टू डॉट पी ऑफ बी अपॉन ई टू. कि हमारे पहले बैग से भी हमें क्या, पहले बैग से भी ब्लैक बॉल और दूसरे बैग से भी, साथ में हमारा ब्लैक उसकी बैग की भी प्रोबेबिलिटी आएगी. तो P ऑफ ईवन हमारा कितना था, हाफ इंटू बी अपॉन ईवन कितना है, थ्री अपॉन फाइव प्लस में P ऑफ ई टू हमारा कितना है, वन बाई टू, और B अपॉन ई टू कितना था, टू अपॉन सिक्स. तो यहां से हमारा क्या आएगा, थ्री अपॉन टेन प्लस में टू से टू कैंसिल, वन अपॉन सिक्स. जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा थर्टी, तो थ्री थ्री जा नाइन और फाइव, तो ये हमारा आया फोर्टीन अपॉन थर्टी, टू सेवन जा टू फिफ्टीन, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेवन अपॉन फिफ्टीन. तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कौन सी टाइप थी, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली. तो यू कैन कंप्लीट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज. उसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बेस थ्योरम. तो बेस थ्योरम में हमारा क्या होता है कि हमारे बेस थ्योरम में हमारा एक कंडीशन जो हमने अभी पढ़ा है उससे एक कंडीशन एक्स्ट्रा गिवन होती है. पहले वाली जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था उसमें बैग नहीं बताया था, कौन से बैग से हमें बॉल लेनी है, फर्स्ट से या सेकंड से, लेकिन बेस थ्योरम में वो आपको बताएगा कि कौन सा बैग आपको चूज करना है. तो जो बैग हमें चूज करना होता है उसको ऊपर रखते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं. तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इफ इवन ई टू अप टू सो ऑन ई एन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जीक्यूटिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ए इज एनी इवेंट, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ ई आई अपॉन ए दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ई आई पी ऑफ ए अपॉन ई आई अपॉन में सिग्मा पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए अपॉन ई आई. यह हमारा वन बैग भी हो सकता है, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी, कितने भी हो सकते हैं. तो ऊपर हमें जिसका निकालना है वो रखेंगे और नीचे हम सबका सम, सिग्मा मीन सम, नीचे हम सबका क्या करेंगे, सम करेंगे. तो ये हमारा हो गया बेस थ्योरम का फॉर्मूला. उसके बाद हमें क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज बैग वन कंटेन, तो फर्स्ट बैग हमारा आ रहा है बैग वन, थ्री रेड फोर ब्लैक, बैग टू कंटेन्स फाइव रेड एंड सिक्स ब्लैक, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग. तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन लेना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन हमारा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू, तो हमारा कितना आएगा, हाफ आएगा. उसके बाद नेक्स्ट इज वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, वो हमारा क्या आएगी, रेड बॉल आई है.
तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रोन फ्रॉम बैग टू, तो यहां हमारा पर्टिकुलर बैग बताया गया है. तो हम यहां पे क्या करेंगे, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग वन, तो बैग वन से हम रेड बॉल निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 3/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग टू दैट इज इक्वल टू 5/11. ये हमारा हो गया. अब हमारा कौन से बैग से निकाला है, सेकेंड बैग से निकाला है, तो सेकेंड वाले को हम ऊपर रखेंगे और नीचे दोनों का सम करेंगे. तो फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, पी ऑफ बी वन, ब्लैक बॉल नहीं था रेड बॉल, हाँ ठीक है इट्स ओके, पी ऑफ बी टू अपॉन आर, यहां इसका अपोजिट होता है तो यहां भी हमारा अपोजिट आएगा. तो फॉर्मूले में हमारा टू वाला ऊपर रखेंगे तो पी ऑफ बी टू इंटू पी ऑफ रेड बॉल आउट ऑफ बी टू, और नीचे दोनों का सम करेंगे, पी ऑफ बी वन पी ऑफ आर अपॉन बी वन प्लस में पी ऑफ बी टू इंटू पी ऑफ आर अपॉन में बी टू. अब यहां हम यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर दैट तो यहां हमारा क्या आएगा, पी ऑफ बी टू हमारा कितना है हाफ इंटू पी ऑफ आर अपॉन बी टू 5/11 अपॉन में 1/2 इंटू फर्स्ट वाले का हमारा क्या था 3/7 प्लस में 1/2 इंटू 5/11. इन सब के वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. अब यहां हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो ये हमारा हो गया 5/1/2, मैं कॉमन ले लेती हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो 1/2 इंटू 5/11 अपॉन में 1/2 अंदर हमारा बचा 3/7 प्लस में 5/11, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. अब ये हमारा हो गया 5/11 अपॉन में एलसीएम लूंगी तो हमारा आएगा 77, यहाँ पे हमारा आएगा 33 प्लस में 75 = 35. अब ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल, तो इट्स 5/11 इंटू 77/5, 3, 8 और 6, तो 11 × 11 = 7. तो अब ये हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड वी कैन गेट द आंसर. तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, 75 × 35 / 68. तो ये हमारा आंसर हो गया. यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं और हमारा सिलेबस भी हम यहाँ पे इतना ही कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है. सो थैंक यू.